नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के बेरोजगारों को बड़ा झटका, फिर स्थगित हुई परीक्षा, जाने क्यों हुआ ऐसा। बड़ी खबर, 2 से अधिक बच्चे वाले भी बनेंगे मुखिया और सरपंच। बिहार सरकार ने कर दिया क्लियर, जानिए क्या नियम रहेगा। अब थाने में नहीं सड़ेंगे शराब तस्करी में पकड़ी गई गाड़ियां, सरकारी अफसर और कर्मचारी उसी से घूमेंगे। पटना का पारा 8 डिग्री लुढ़का, आज से सुधरेगा मौसम। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3000 से ज्यादा पदों पर होगी बहाली, शुरू करे तैयारी। बिहार के इस जिले में फिर गहराने लगा कोरोना का संकट, सोमवार से सघन जांच अभियान होगा शुरू। कोवैक्सीन का टीका लेने पर अब नहीं भरना होगा सहमति पत्र, आसानी से ले सकेंगे कोरोना वैक्सीन। होली से पहले बिहारवासियों को महंगाई का झटका, ऑटो के बाद अब बसों के किराए में 20% की बढ़ोतरी। फर्जी फोन कॉल व SMS के जरिए किसानों से मांगे जा रहे हैं पैसे, रहे सतर्क, इस हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत। क्या पंचायत चुनाव से पहले मुखिया के पावड़ी करते धराए समर्थकों संग, कर रहे थे शराब पार्टी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के बेरोजगारों को फिर से एक झटका लगा है, ये काफी हैरान करने वाली बात है। दरअसल बिहार के बेरोजगारों को इसीलिए झटका लगा है क्योंकि BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सहायक अभियंता परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सहायक अभियंता भर्ती 2020 परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। पत्र में यह बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 03/2020, 07/2020, 08/2020 और 09/2020 की भर्ती की परीक्षाएं स्थगित की गई है। गौरतलब हो कि पिछले साल 21 सितंबर को BPSC ने नोटिस जारी कर बताया था कि अप्रैल महीने में परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन अब इसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि ऊपर दिए गए विज्ञापनों में जिनकी परीक्षाएं अप्रैल में होने को प्रस्तावित थी, इन परीक्षाओं के आयोजन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। BPSC असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी है कि भर्ती परीक्षा स्थगित होने की सूचना आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एक साथ चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले भावी उम्मीदवारों को टेंशन बढ़ गया है। टेंशन इस बात को लेकर बढ़ गया है कि क्या 2 से अधिक बच्चे वाले लोग इस बार चुनाव में खड़ा हो सकते हैं या नहीं। YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram पर इस तरह की कहानियां पढ़कर या देखकर आप भी परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार सरकार ने इस नियम को लेकर भ्रम दूर कर दिया है। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरणों में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि पंचायती राज कानून 2006 में कहीं भी 2 बच्चों के शब्द का जिक्र नहीं है, फिर भी अफवाह है कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप भी ये सोचकर टेंशन में हैं तो अब आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए क्योंकि बिहार सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले भी मुखिया और सरपंच बन सकते हैं। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बिहार पुलिस की ओर से इस कानून को सख्ती से लागू करने का काफी दबाव है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर बिहार पुलिस की स्ट्रेटजी फेल साबित हो रही है क्योंकि कई पुलिस वाले भी दारू के शौकीन हैं, जिन्हें पिछले दिनों नशे की हालत में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि शराब तस्करी में पकड़े गए वाहन अब थाने में बेकार नहीं पड़े रहेंगे। गाड़ियां थाने में सड़ेंगी नहीं, बल्कि अब उनका उपयोग सरकारी कामकाज में किया जाएगा। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शराब तस्करी में पकड़ी गई गाड़ियों का उपयोग सरकारी कामों में करने का निर्देश दिया है, यानी कि जब्त वाहनों को अब सरकारी कार्यालय के उपयोग में लाया जाएगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शराबबंदी की समीक्षा की गई। इस मीटिंग में DM ने कहा कि राजसात वाहनों का उपयोग थाना सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा, साथ ही राजसात वाहनों का उपयोग विद्यालय, थाना और सरकारी कार्यों के लिए भी किया जाएगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में अचानक से राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। पुरवैया हवाओं के कारण आसमान में बादल छाए और कहीं कहीं बूंदा भी हुई, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 8 डिग्री नीचे आ गिरा है। शनिवार को पटना में लोगों ने मौसम का बदला हुआ मिजाज देखा, ठंडी हवाओं की वजह से पारा नीचे जा पहुँचा।
शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शनिवार को यह गिरकर 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। 8 डिग्री का फर्क एक दिन में अंतर मौसम में आया। गया का अधिकतम तापमान शनिवार को 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को पूर्वी बिहार छोड़कर ज़्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम सुधरने के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक बार फिर इजाफा देखने को मिलेगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कई पदों पर बहाली होगी। अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों एवं अन्य तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए कुल 3,883 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसे तत्काल बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा। इसमें सिस्टम एनालिस्ट का एक पद, प्रोग्रामर का 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड सी के 139 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के 3,738 पद शामिल है। उक्त जानकारी शनिवार को विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि आमीन की कमी को दूर करने के लिए संविदा के आधार पर सृजित कुल 550 पदों में 486 आमीन का नियोजन कर 9 मार्च को प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 215, विशेष सर्वेक्षण लिपि के 339, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 319 एवं विशेष सर्वेक्षण आमीन के 1,178 पद संविदा पर आधारित नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में हो रही कोरोना जांच में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। 26 फरवरी से 12 मार्च तक जिले में 13 पॉजिटिव केस मिले हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर ए के सिन्हा ने कहा है कि मुसहरी इलाके में एक नया केस मिला है। सीएचसी के जांच के दौरान यह मामला सामने आया है। जो पॉजिटिव मिला है वह दिल्ली से आया है और उसकी जांच निजी लैब में हुई है। उसके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी आरटीपीसीआर जांच कराने की बात कही गई है। डॉक्टर ए के सिन्हा ने कहा है कि कोरोना के सबसे अधिक नए केस मुसहरी में हैं। बेला में 3, मिठनपुरा में 3, कांटी में, दामोदरपुरा में 3, ब्रह्मपुरा में, राहुल नगर में 2, SKMCH में इलाके में 2 एक्टिव मरीज हैं। जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत बुजुर्ग व बीमार लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब कोवैक्सीन का टीका लगवाने से पहले फॉर्म भरे जाने की बंदिशें से लोगों को मुक्ति दे दी गई है। सहमति पत्र में ट्रायल से संबंधित जानकारी भरी जाती थी। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल बेसिस पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। वैक्सीनेशन सेंटर के अधिकारियों के मुताबिक कोवैक्सीनेशन टीका का सफल ट्रायल पूरा होने के बाद पिछले महीने कंपनी की ओर से इसे कोरोना के मरीजों की इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए ड्रग रेगुलेटर के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को भेजकर मंजूरी मांगी गई थी। पटना सहित पूरे बिहार में स्वास्थ्य कर्मचारी व आम लोग कोवैक्सीन के बदले कोविशील्ड वैक्सीन अधिक लगाना पसंद कर रहे हैं। जानकारों के माने तो वैक्सीन की आखिरी ट्रायल का डाटा नहीं होने के कारण बिहार सहित अन्य राज्यों में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। कोरोना महामारी से उत्पन्न मुश्किलों के बाद अब लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। इधर पेट्रोल डीजल के दाम का असर ऑटो के बाद बसों के किराए पर पड़ने लगा है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन विभाग की इजाज़त के बिना ही बिहार ट्रांसपोर्टर मोटर फेडरेशन ने लंबी रूट की बसों का किराया 20% बढ़ा दिया है। इसके कारण प्राइवेट बस में सफर करने वाले यात्रियों को अब 40-80 रुपये तक ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। 20% बढ़ा किराया 14 मार्च की रात के 12 बजे के बाद लागू होगा। हालांकि इससे पहले कई जिलों में बस के कंडक्टर यात्री से बढ़ा किराया वसूलने लगे हैं। इसको लेकर यात्री व कंडक्टर में बहस भी हो रही है। आयकर देने के बाद भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले किसानों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान और यूपी के गिरोह ने बिहार के कृषि निदेशक के नाम से फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर किसानों को उस खाते से रिकवरी वाला पैसा जमा करने को फोन SMS कर रहे हैं। कृषि विभाग ने इस संबंध अलर्ट जारी कर पटना के जकनपुर थाना में FIR दर्ज करा दी है। किसानों को ठगी से बचाने और उसकी सूचना लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर बना दी है। राज्य के 36,820 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 32,64,06,000
रुपए लौटाना है। ये वे किसान हैं जो आयकर देने के कारण इस योजना के लिए अपात्र पाए गए हैं। इस किसानों को SBI की शाखा विश्वेश्वरैया भवन बेली रोड पटना की खाता संख्या 3826953475 में पैसा जमा करना है। यह खाता कृषि निदेशक बिहार पटना के पदनाम से है। बिहार में पंचायत चुनाव का माहौल बन गया है। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है, मगर इससे पहले ही एक वर्तमान मुखिया को अपने कार्यालय में साथियों के साथ शराब के नशे में धुत होकर जश्न मनाना और कथित तौर पर पावड़ी हो रही है। वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी। उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने छापेमारी कर मुखिया और उनके दो साथियों को शराब पीते गिरफ्तार कर लिया। घटना शनिवार की है। मुजफ्फरपुर जिले के मोहम्मदपुर बादल पंचायत के मुखिया अनंत सियानम और उनके दो साथी नवल राम व नरेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।